हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रीडेटर पार्ट 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत शहर के दो बड़े गैंगस्टर से होती है जो आपस में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे होते हैं। इनकी लड़ाई को रोकने आए पुलिस पर भी वो फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें कुछ पुलिस वाले मारे जाते हैं। ये गैंगस्टर पुलिस वालों पर ही भारी पड़ने लगते हैं। इसी बीच माइक नाम का एक ऑफिसर आता है जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वह एक जाबाज ऑफिसर होता है। वह एक कार को लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, जिससे इनकी टीम को इन लोगों पर अटैक करने का मौका मिल जाता है। इन गैंगस्टरों का अड्डा इसी बिल्डिंग में होती है। इनमें से कुछ अपनी गन्स को बदलने के लिए अंदर चले जाते हैं, तो वहीं कुछ पुलिस से निपटने लगते हैं। मगर माइक इन सभी को यहीं पर ढेर कर देता है। इसी बीच हम एक प्रीडेटर को देखते हैं जो इन लोगों पर नजर रख रहा होता है। ऑफिसर बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर ये गैंगस्टर हैवी गन्स को लेकर इन लोगों पर अटैक करने ही जा रहे थे, मगर उसी वक्त वो प्रीडेटर इन लोगों पर अटैक कर देता है। गोली की आवाज सुनकर माइक कुछ ऑफिसर के साथ अंदर जाता है। वे एक एक फ्लोर को चेक करते हुए ऊपर जाते हैं। यहाँ एक गैंगस्टर गोली चलाते हुए कमरे से बाहर आता है और बिल्डिंग के छत पर चला जाता है। उसके पीछे माइक भी होता है। स्कॉर्पियो माइक से नहीं बल्कि उस प्रीडेटर से डर रहा होता है जो कि इनविजिबल है, और वो वहीं पर होता है। माइक को लगता है कि वो उस पर अटैक करने वाला है, मगर वो माइक पर नहीं बल्कि उस प्रीडेटर पर गोली चलाने वाला था। माइक उसे वहीं शूट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर माइक को भी कुछ पल के लिए वो प्रीडेटर दिखाई देता है, मगर दूसरे ही पल वो गायब हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसे किसी तरह की इल्यूजन आई हो। वो प्रीडेटर उस पर भी अटैक करने वाला होता है, मगर उसी वक्त ऑफिसर चले आते हैं। इसके बाद वे गैंगस्टर के कमरे में जाते हैं, जहाँ इन्हें ढेर सारे वेपन्स मिलते हैं और साथ ही उनकी डेड बॉडी भी होती है। ये लोग इनकी मौत को देखकर काफी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें काफी बुरे तरीके से मारा गया था। इन्हें लगता है कि शायद ये काम दूसरे गैंगस्टर ने किया हो, मगर इन्हें उनके होने के कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं। अब कुछ देर बाद हम विल को देखते हैं जो शहर का डिप्यूटी कमिश्नर होता है। वो माइक पर भड़क उठता है क्योंकि वो कुछ ऑफिसर को लेकर बिल्डिंग के अंदर चला गया था, जिसकी परमिशन उसे नहीं मिली थी। विल गैंगस्टरों को पकड़ने का काम फेडरल ऑफिसर को सौंप देता है, जिसका हेड कीज नाम का एक शख्स होता है। वह माइक की बहादुरी से काफी वाकिफ भी था, मगर वो नहीं चाहता कि वो उसकी काम में टांग लड़ाए। इसके बाद माइक अपने ऑफिस में चला आता है। वह उस एक्सीडेंट को लेकर काफी परेशान भी होता है, क्योंकि उस दौरान इनका एक ऑफिसर भी मारा गया था। अब उसकी जगह पर जेरी लैम्बर्ट को रखा जाता है, जो लड़कियों को फ्लर्ट करने में कुछ ज्यादा ही शौक रखता है। माइक उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे अपनी ड्यूटी पर ध्यान देने को कहता है, क्योंकि बहुत ही जल्द एक ऐसे दुश्मन का सामना करना है जो कि बहुत ही खतरनाक है। अब रात के वक्त जमैका गैंगस्टर के कुछ लोग एक बिल्डिंग में घुसकर एक आदमी को बंदी बना लेता है। वह इस वक्त अपने गर्लफ्रेंड के साथ होता है। वो आदमी रोमन वेगा को $2 मिलियन देने का वादा करता है, बशर्ते वो उसे छोड़ दे। मगर रोमन वेगा उसके इस प्रपोजल को ठुकरा देता है। वह उसे जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त वो प्रीडेटर इन लोगों पर अटैक कर देता है। वो गैंगस्टर जिनसे लोग खौफ खाते हैं, वे खुद इस वक्त खौफ में होते हैं। वो प्रीडेटर इन सभी को एक एक कर मार देता है। अब कुछ देर बाद पुलिस वाले उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर किसी भी ऑफिसर को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि ये विल का ऑर्डर था। वह इस केस को फेडरल ऑफिसर के हाथों में सौंप चुका था, जो कि कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। माइक विल के ऑर्डर का परवाह किए बगैर कुछ ऑफिसर के साथ अंदर चला जाता है। यहाँ वे जमैका गैंगस्टर के कुछ लोगों की लटकी हुई बॉडी को देखते हैं, जिसे उस प्रीडेटर ने बुरी तरह से मारा था। रोमन वेगा, जिसे पुलिस की काफी दिनों से तलाश थी, वो भी यहाँ पर डेड मिलता है। यहाँ हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसे उस प्रीडेटर ने छोड़ दिया था, लेकिन वह इस वक्त काफी डरी सी होती है। डैनी को छत की दीवार पर एक हुक जैसा दिखने वाला हथियार मिलता है, जो उस प्रीडेटर का ही होता है। इससे पहले वो उसे उठा पाता कि उसी वक्त फेडरल ऑफिसर चले आते हैं। इस माइक पर काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि परमिशन न होने के बावजूद भी वे अंदर चले आए थे। इसके बाद वह इन सभी को यहाँ से बाहर भेज देता है। माइक को इन फेडरल ऑफिसर पर थोड़ी डाउट होने लगती है कि वे जरूर उनसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि केज उस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा होता है जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। माइक लैम्बर्ट को उसके पीछे लगा देता है और डैनी को इसी बिल्डिंग के पास रुकने को कहता है, ताकि उसके जाते ही वो यहाँ किसी तरह की सुराग को ढूंढ सके। अब कुछ देर बाद लैम्बर्ट माइक को बताता है कि फेडरल ऑफिसर ने उस लड़की को एक सिल्वर हेलीकॉप्टर में लेकर चले गए। उसी रात डैनी उस बिल्डिंग में दोबारा से जाता है। वह यहाँ उसी हुक को लेने आया होता है जो छत की दीवारों में घुसी होती है। वह उसे निकाल लेता है, मगर उसी वक्त वो प्रीडेटर चला आता है और उसे वहीं मार देता है। विली डैनी के मौत का जिम्मेदार माइक को मानता है, क्योंकि उसी के कहने पर वह उस बिल्डिंग में गया था। वे माइक का ट्रांसफर करना चाहते थे, मगर वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि माइक ने बहुत से क्रिमिनल को अपनी जान पर खेल कर पकड़ा था, जिस कारण उसका ट्रांसफर रुक जाता है। यहीं पर कीज और उसके आदमी को भी देखते हैं, जिसे देखने के बाद माइक भड़क उठता है। कीज उससे कहता है कि हम जिसे सामना कर रहे हैं वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब वह उसके बारे में पहले से ही सब कुछ जानता है। माइक एक जिद्दी ऑफिसर होता है, अगर वो कुछ भी ठान ले तो वह उसे पूरा करके ही दम लेता है, भले ही इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। इसके बाद वह नियोना को किंग विली से मीटिंग रखने को कहता है, जो जमैका गैंगस्टर का लीडर होता है। रात के वक्त उसके आदमी उसे ले जाने के लिए आते हैं। लैम्बर्ट भी उसके साथ जाना चाहता था, मगर माइक उसे मना कर देता है। वहाँ पर हम उस प्रीडेटर को भी देखते हैं जो एक बिल्डिंग से इन लोगों को देख रहा होता है। किंग विली के आदमी माइक को बिल्डिंग के पीछे कचड़े के ढेर में लेकर जाता है, जहाँ पर उसका लीडर रहता है। माइक उससे मिलता है और उसके बारे में पूछता है, जो दोनों तरफ के लोगों को हर दिन मारता जा रहा था, जिस पर वो कहता है कि हमारे या तुम्हारे लोगों को मारने वाला किसी गैंगस्टर से नहीं बल्कि वो दूसरी दुनिया से आया
आया एक एलियन है जो कि काफी खतरनाक है और उसे मारना हमारे या तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिस पर माइक कहता है कि वो जो भी हो मैं उसे मार कर रहूंगा। इसके बाद वो यहां से चला जाता है। उसके जाते ही वो प्रीडेटर यहां पर आ पहुंचता है। किंग विली जिसका नाम सुनते ही शहर के लोग खौफ खाने लगते हैं। यहां पर वो मारा जाता है। अब अगले दिन ये खबर पूरे न्यूज में फैल जाती है कि किंग विली शहर का कुख्यात गैंगस्टर बहुत ही बेरहमी से मारा गया। ये खबर सुनकर माइक को भी थोड़ा शॉक लग जाता है क्योंकि वो पिछली रात ही उसे मिलकर आया था। वह नियोना और लैम्बर्ट के साथ एक लेबोरेटरी में जाता है। यहाँ पर वो रूथ से मिलता है जो पहले किस के साथ काम कर चुकी थी। माइक उसे एक छोटी सी हुक को टेस्टिंग के लिए देता है जो उसे डैनी के हाथ से मिला था, यानी ये किसी दूसरी ग्रह से है। जिसके बाद माइक समझ जाता है कि फेडरल ऑफिसर्स गैंगस्टर को नहीं बल्कि किसी और को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो लियोना और लैम्बर्ट को मेट्रो के जरिए कीज के ऑफिस पहुंचने को कहता है जो कि दूसरे शहर में होती है। फिर वो एक कब्रिस्तान में जाता है जहां उसके दोस्त डैनी को दफन किया गया था। यहां उसे डैनी की ब्रेसलेट मिलती है जिससे वो समझ जाता है कि वो प्रीडेटर कहीं आसपास ही है, लेकिन वो माइक को इस वक्त छोड़ देता है। अब रात के वक्त लियोना और लैम्बर्ट दूसरे शहर जा रहे होते हैं। मेट्रो के अंदर जमैका के कुछ लोग भी होते हैं। वे पैसेंजर को काफी तंग भी कर रहे होते हैं। इन्हीं पैसेंजर में से एक इन लोगों पर अपनी छोटी रिवॉल्वर को तान देता है। इसे देखकर बाकी के पैसेंजर भी उन्हें गन पॉइंट पर ले आते हैं। मगर उसी वक्त वो प्रीडेटर छत को तोड़कर अंदर चला आता है और इन लोगों को मारना शुरू कर देता है। लियोना और लैम्बर्ट बाकी के बचे पैसेंजर को आगे के कंपार्टमेंट में लेकर चले जाते हैं। वो प्रीडेटर सबको खत्म कर उनकी ओर बढ़ता है। लैम्बर्ट लियोना को बचे पैसेंजर के साथ और आगे के कंपार्टमेंट में भेज देता है और वो खुद अकेले ही उसका सामना करने लगता है। वो उस पर कई राउंड फायरिंग करता है मगर इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लैम्बर्ट को भी खत्म कर देता है। लियोना इमरजेंसी चैन को खींचकर ट्रेन को उसी वक्त रोक देती है। वो फौरन सभी पैसेंजर को यहां से बाहर निकाल देती है और वो खुद पीछे के कंपार्टमेंट में लैम्बर्ट को ढूंढने जाती है जो अब मारा जा चुका था। वो प्रीडेटर उसे भी पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को स्कैन करता है जिससे उसे पता चलता है कि लियोना गर्भवती है। इस कारण वो उसे छोड़ देता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पुलिस फोर्स चली आती है। यहाँ पर माइक भी पहुँचता है। वह नियोना को देखता है जो इस वक्त बेहोश होती है। उसे फौरन हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। माइक को लग रहा था कि कहीं उसका दोस्त लैम्बर्ट भी डैनी की तरह मारा न गया हो। वो ट्रेन के अंदर एक एक कंपार्टमेंट को चेक करता जा रहा था मगर उसे लैम्बर्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद वह टनल के कुछ पीछे जाता है। यहाँ वो उस प्रीडेटर को देखता है जो लैम्बर्ट के बॉडी को अपने हाथों में लिया होता है। मगर जैसे ही उसकी नजर माइक पर पड़ती है वो यहाँ से भागने लगता है। माइक भी उसका पीछा करने लगता है। वो प्रीडेटर टनल से बाहर आकर बिल्डिंग के रास्ते भाग जाता है लेकिन माइक उसे आज छोड़ने वाला नहीं था। वो एक कार को लेकर उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो एक कंपार्टमेंट के पास चला आता है जहाँ कीज की आर्मी उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेकर एक कंटेनर के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो कीज को देखता है। वह माइक को बताता है कि वो और उसकी टीम उस प्रीडेटर को पकड़ने के लिए पिछले दो हफ्तों से डेटा कलेक्ट कर रही थी और इसके बारे में सब कुछ जानने के बाद वे यहाँ पर एक ट्रैप को सेटअप किए होते हैं ताकि उसे जिंदा पकड़ सके। माइक को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि वो प्रीडेटर इनसे कई ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद भी होता है। खैर कीज और उसके आदमी एक सूट को पहनते हैं ताकि वो प्रीडेटर उन्हें देख ना सके क्योंकि वो इन्हें सिर्फ अल्फा रेज के जरिए ही देख सकता है। इसी के साथ वे कुछ केमिकल पाउडर को भी इस्तेमाल करने वाले होते हैं ताकि वे उसे विजुअल बनाकर पकड़ सके। इसके बाद कीज अपनी टीम के साथ बाहर आता है। इन सभी के शोल्डर पर एक लाइट लगी होती है। वे यहाँ चारों तरफ रडार लगाए होते हैं जिससे इन्हें उस प्रीडेटर की लोकेशन मिल जाती है। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो प्रीडेटर इन लोगों की आहट को सुनकर वहीं रुक जाता है मगर वे लोग उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद वो उन्हें दूसरे रेज से देखने की कोशिश करते हैं मगर वो उसमें भी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन एक रेज के जरिए उनकी शोल्डर पर लगी लाइट्स को देख सकता है जिसके बाद वो इन लोगों पर अटैक कर देता है और इन सभी को एक एक कर मारने लगता है। माइक किड्स को बचाने के लिए कंटेनर से बाहर चला आता है और अपनी गाड़ी से गन्स को लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। वो प्रीडेटर किड्स को मारने ही वाला होता है मगर उसी वक्त माइक उनके ध्यान को भटका देता है। उसके अटैक से कुछ वाटर पाइप फट जाती है जिससे उस प्रीडेटर को इनविजिबल बनाने वाली मशीन खराब हो जाती है और वो दिखाई देने लगता है। जिसके बाद माइक हैवी गनों से उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है जिससे वो कुछ पलों के लिए बेहोश हो जाता है। माइक उसके फेस से मास्क को हटाता है जो अंदर से बहुत ही खौफनाक होता है मगर उसी पल वो प्रीडेटर जाग उठता है। वह माइक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन उसी वक्त केज उसके सामने चला आता है और उस पर अटैक करने लगता है मगर वह उसके वहीं दो टुकड़े कर देता है। इसके बाद माइक उससे बचकर बिल्डिंग के छत पर चला आता है। वह उसे ढूंढते हुए यहाँ भी चला आता है। वह अपने भाले से माइक पर अटैक करता है मगर उससे वह बच जाता है। इसके बाद वह प्रीडेटर को लेकर छत से नीचे कूद जाता है लेकिन वह नीचे गिरने के बजाय बीच में ही लटक जाते हैं। वह प्रीडेटर माइक के हाथ को पकड़कर लटका होता है। माइक किसी तरह उसका वेपन को लेकर उसका हाथ ही अलग कर देता है जिससे वह बगल के दूसरी बिल्डिंग में जा गिरता है। यहाँ वह एक बाथरूम में अपने हाथ को जख्म को ठीक करने के लिए कुछ एंटीसेप्टिक तैयार करने लगता है। इधर माइक दूसरे बिल्डिंग पर होता है। वह ऊंचाई से बहुत ज्यादा ही डरता है लेकिन फिर भी वह किसी तरह नीचे उतरने की कोशिश करता है। वह पाइप के जरिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है। उधर वह प्रीडेटर एंटीसेप्टिक को तैयार कर अपने जख्मों पर लगाता है। उसकी चीखें सुनकर एक और लेडी उसे देखने आती है मगर उसी वक्त वो गेट को तोड़कर यहां से भागने लगता है। माइक भी उस बिल्डिंग में चला आया होता है। वह उसके पीछे जाता है। वह प्रीडेटर लिफ्ट के नीचे चला जाता है। यहां पर माइक को फिर से ऊंचाई का सामना करना पड़ता है लेकिन वो फिर भी इसकी परवाह किए बगैर वो नीचे जाता है।
है। लिफ्ट के नीचे उसे एक सुरंग मिलती है जो उसे सीधा उस प्रीडेटर के यूएफओ में लेकर जाती है। माइक को यह भी पता नहीं होता कि वह इस वक्त कहां पर है। उसे यहां ढेर सारे कंकाले देखने को मिलते हैं जिनमें से कुछ एलियंस के भी होते हैं। ठीक उसी वक्त वो प्रीडेटर माइक को एक जाल में फंसा लेता है, मगर माइक के हाथ में उसका एक वेपन होता है जिससे वो अपने आप को छुड़ा लेता है। इसके बाद भी वो प्रीडेटर उस पर अटैक करना जारी रखता है, वह उसे काफी जख्मी कर देता है। माइक उसके ही वेपन को उसके पेट में घुसा देता है जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। लेकिन माइक के लिए मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके जैसा यहाँ कई प्रीडेटर होते हैं। माइक को लगता है कि अब उसकी खैर नहीं, लेकिन वे माइक की बहादुरी को देखकर उसे वो छोड़ देते हैं। वे मरे हुए प्रीडेटर की बॉडी को अपने साथ लेकर जाते हैं। जाने से पहले उनका सरदार एक बहुत ही पुराना रिवॉल्वर उसे दे देता है, जिस पर हम एक डेट को भी देखते हैं जिसका मतलब वह प्रीडेटर लगभग 18 सेंचुरी में अपने यूएफओ को लेकर यहाँ पर आया था। लेकिन अब वे यहाँ से जा रहे होते हैं। वे अपने यूएफओ को इंजन को स्टार्ट करते हैं। उनके उड़ान भरने से पहले ही माइक उनकी शिप से बाहर चला आता है, जिसके बाद वे यहाँ से निकल जाते हैं। वो शिप तकरीबन 200 सालों से जमीन के अंदर थी और किसी को अभी उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। अब कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस फोर्स चली आती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।